कितना चमक रहा है यह स्टेशन। ये देखिए मित्रों, यही है वो भव्य बड़ा पार्किंग प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 और उसके बगल में बन रहा है 4 और 5। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नई नवेली जो बिल्डिंग है और नया जो पूरा रेलवे स्टेशन है कैसा बना है, क्या होगा, कैसा व्यवस्था है, क्या वर्तमान परिस्थिति है और कैसा रीडेवलपमेंट का कार्य यहाँ पर संचालित है, यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जय श्री राम आगे कमेंट बॉक्स में बढ़ने से पहले लिख के ही चलिएगा। चलिए मैं आपको वीडियो में और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। मित्रों आप देख रहे हैं, ये है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नया नवेला बिल्डिंग जो कि आपको सजा धजा दिख रहा है। यहाँ पर कई सारे जो स्वागत अभिनंदन के लिए यहाँ पर जो पोस्टर्स आदि हैं वह लगाए गए हैं और यह समय है सुबह का लगभग 9:30 बजे। और आप देख रहे हैं, ये है अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और आप सभी को मैं यहीं से स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा यह नया भवन बना है, साथ ही जो फेज़ 2 के जो कार्य हो रहे हैं, ये तो फेज़ 1 में तो भवन बन चुका है, फेज़ 2 में कैसे कार्य हो रहा है, जो बनना है कॉन्कोर्स आदि वो कैसा है और भवन के अंदर की क्या परिस्थिति है, यह सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों आप देख रहे हैं, ये है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नया नवेला बिल्डिंग जो कि आपको सजा धजा दिख रहा है। यहाँ पर कई सारे जो स्वागत अभिनंदन के लिए यहाँ पर जो पोस्टर्स आदि हैं वह लगाए गए हैं और यह समय है सुबह का लगभग 9:30 बजे। और आप देख रहे हैं, ये है अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और आप सभी को मैं यहीं से स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा यह नया भवन बना है, साथ ही जो फेज़ 2 के जो कार्य हो रहे हैं, ये तो फेज़ 1 में तो भवन बन चुका है, फेज़ 2 में कैसे कार्य हो रहा है, जो बनना है कॉन्कोर्स आदि वो कैसा है और भवन के अंदर की क्या परिस्थिति है, यह सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों मैं अब प्रवेश कर रहा हूँ अयोध्या के नए नवेले भवन में जो कि फेज़ 1 के अंतर्गत बन करके सज्ज हो चुका है। मित्रों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नया बिल्डिंग परिसर जो कि बन चुका है और कितना सुंदर है, कितना भव्य है, वो आपको इसके एंट्रेंस से ही, जो इसकी जो बड़ी सी गैलरी है, लॉबी है, इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना सुंदर यह भव्य स्टेशन है। और आपको यहाँ पर स्वागत करने के लिए जो गिलहरी है वो यहाँ पर आपको देखिए, हाथ जोड़े हुए गिलहरी का जो एक सुंदर सा स्वरूप है वो आपको स्वागत करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो डिजिटल बोर्ड हैं, साइनेज हैं, जो कि डिस्प्ले हैं, वो लगे हुए हैं। सामने आपको यहाँ पर राम मंदिर की जो डिज़ाइन है वो लगी हुई है। इधर भी आपको देखिएगा राम मंदिर की डिज़ाइन लगी हुई है। और इधर है अयोध्या धाम का एक सुंदर ही नाम का जो स्वरूप लगाया गया। साथ में आपको मैं पूरी बिल्डिंग दिखाऊँ, आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर के ये देखिए कई मंजिला, जो 3 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला मान सकते हैं, ये पूरे बन करके सज्ज हो चुकी है। देख सकते हैं मित्रों, साफ सफाई, कितना चमक रहा है यह स्टेशन, कितना सुंदर लग रहा है। अभी यह स्टेशन जो है कि आम जनता और यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और इसकी जो साज सजावट है, आप देख सकते हैं मंदिर की जो छवि है वह हर ओर यहां पर अंकित की गई है और यहां पर एस्केलेटर्स आदि लगे हुए हैं। और इस कलाकृति का जो विवरण है वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो गिलहरी है उसको, इसके बारे में भी बताया गया है कि रामायण की नन्ही गिलहरी निष्ठावान तथा लघु योगदानों के महत्व का प्रतीक है, जो एक न्याय संगत समाज में सामूहिक शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करता है। अर्थात यह इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ को सोसाइटी के बताता है, इसकी व्याख्या करता है कि किस प्रकार से अगर समाज संगठित हो तो एक अच्छे समाज और भविष्य का निर्माण कर सकता है। यही है स्टेशन का मुख्य परिसर, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्केलेटर्स आदि लगे हुए हैं और चल भी रहे हैं। और इधर देखिए फर्स्ट एड है, इन्फेंट केयर है, कॉन्कोर्स के लिए लिफ्ट यहीं से लगेगा, आप देख सकते हैं जो ऊपर जाएगा यहीं से एक लिफ्ट जाएगा सीधा कॉन्कोर्स के लिए। कॉन्कोर्स अभी फेज़ 2 में बन रहा है और वो बन जाने के बाद एक जो सबसे बड़ा जो भारत का रेलवे स्टेशन होगा, भोपाल के बाद भी सबसे वृहद स्टेशन यही होने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, आधुनिक और आध्यात्म सबको जोड़ते हुए, समाहित करते हुए एक सुंदर छवि दर्शनार्थियों यात्रियों को अयोध्या पहुँचते ही प्रदान करेगा। मित्रों यहाँ पर पूरी तरह से बैगेज स्कैनिंग खतरनाक हो रही है, किसी का भी उसी का प्रवेश होगा जिसके पास टिकट होगा, और बिना टिकट वालों को यहाँ पर तो प्रवेश भी बाधित कर दिया गया है।
ये देखिए मित्रों, यहाँ पर एस्केलेटर्स का जो आनंद है वो आप अब ले सकते हैं। यहाँ पर जो स्टेशन का जो परिसर में आरंभ कर दिया गया है, और इस एस्केलेटर की बात करूँ तो यह 2 मंजिला एस्केलेटर है डायरेक्ट आपको जो कि 2nd फ्लोर पर ले जाएगा, और यहीं से आप कॉन्कोर्स के लिए आगे सीधे प्रस्थान कर सकेंगे। एक बड़ा सा पंखा आपको इधर और एक इधर देखने को मिल रहा है। यह रेलवे स्टेशन अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पर देखिए एक और नीचे फूड कोर्ट था, और यहाँ पर फूड प्लाजा है, बन चुका है, टॉयलेट है, यह सभी कुछ यहाँ पर निर्माण हो चुका है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, आपको फूड कोर्ट के अंदर के दृश्य दिखाते हैं। देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर खाना आदि भी सर्व किया जा रहा है, अर्थात यह फुल फ्रेज में आपको ये स्टेशन चालू हो चुका है, और यहाँ पर सुंदर एक वातावरण का अनुभव आप ले सकते हैं। आप जैसे ही इसके पास पहुँचेंगे, अर्थात एस्केलेटर के पास पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको लिफ्ट चालू हो जाएगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊँ जो डॉर्मेट्रीज यहाँ पर हैं उनके लिए, आप देखिए यहाँ पर बेड आदि भी बन करके आ चुके हैं, जिनको कि यहाँ पर रखा गया है। अतिशीघ्र यहाँ पर जो डॉर्मेट्री की है वो सुविधा भी बढ़ जाएगी। मित्रों मैं आपको दिखा रहा हूँ फूड प्लाजा जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। ये पूरा फूड प्लाजा भी चालू हो चुका है, यहाँ पर लोग खाने पीने के लिए आ रहे हैं। और एक काफ़ी देखिए ज़मीन देखिए जो फ्लोर है वो चमक रही है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। कितना भव्य अयोध्या का यह कोई स्टेशन है, लेकिन आपको फील होगा कि यह एयरपोर्ट है, क्योंकि एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं, आधुनिकता आपको इस रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिलेंगी, जो कि अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि अयोध्या कभी के छोटी प्राचीन शहर भले थी, लेकिन छोटी थी, लेकिन अब जैसा कि सप्तपुरियों में प्रथम स्थान अयोध्या का है धर्म में, उसी प्रकार से अब रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन भी अब यहाँ पर सप्तपुरियों के ही प्रकार से सबसे पहला, प्रथम व एक आधुनिक होगा। चलिए मैं अब आपको यहाँ से बाहर के दृश्य दिखलाता हूँ। मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि टाइल्स लगाने का कार्य कई जगह पे, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बात करूँ, मैं आपको दृश्य दिखला रहा हूँ। ये जो फ्लोरिंग का है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे भी हैं, चेयर्स आदि लगे हुए हैं। साथ में अभी जो कुछ एक देख सकते हैं यहाँ पर चल भी रहा है, इसी के साथ साथ उसको साफ़ कराया जा रहा है, उसको दोबारा से लगाया जाएगा। कई जगह छोटे मोटे कार्य बाकी हैं, अर्थात शेष हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर घेर के रखा गया, अर्थात मुझे यहाँ पर लग रहा है संभवतः लिफ्ट लगेगा और यहीं से लिफ्ट आगे बढ़ेगा। और फिलहाल ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और मैं आपको दिखा रहा हूँ उधर है प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, और उसके बगल में बन रहा है 4 और 5। पांच प्लेटफॉर्म का हो जाएगा कुछ ही दिनों में यह अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन धाम जो कि है अब। और आपको मैं अब ऊपर के दृश्य दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊपर में जो कि कॉन्कोर्स का तीव्र गति से निर्माण कार्य संचालित है, जिसके लिए बड़े बड़े पोकलेन जो क्रेन आदि हैं, के क्रेन की बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, 2-2 दिख रहे हैं यहाँ पर। आपको ऊपर जूम करता हूँ, देखिए आप ऊपर वहाँ पर उस क्रेन के टॉप पर एक झंडा भी लहराता हुआ दिख जाएगा, भगवा झंडा। और साथ में यहाँ पर आप देखिए कॉन्कोर्स का निर्माण तीव्र गति से संचालित है, जिसपे कि कई सारे श्रमिक लगे हैं। और शेड भी देखा जाए तो जैसे जैसे उसका जो गार्टर्स हैं सराउंडिंग वाले वो डल रहे हैं, उसी के साथ साथ शेड भी डलते जा रहे हैं। और इधर से ट्रेन का हॉर्न आ रहा है, और ट्रेन आ रही है नॉर्दर्न रेलवे की अयोध्या रेलवे धाम जो जंक्शन पर। देखता हूँ कौन सी ट्रेन है, मैं आपको वो भी दिखलाता हूँ। मनवर संगम एक्सप्रेस। मित्रों आप देख रहे हैं ये है कॉन्कोर्स जो ऊपर बन रहा, उसके नीचे का आपको मैं गार्टर्स दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर गार्टर्स आदि लगाए जा चुके हैं। काफ़ी बड़ा बनना है, इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि यह 120 मीटर लंबा होगा। ये अपने आप में बहुत ही वृहद होगा, बहुत बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है। और अभी यहाँ पर तो पैसेंजर लोग उतर रहे हैं गाड़ियों से। मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पर जेसीबी मशीन काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रही है, खुदाई उदाई कर रही है, और यहाँ पर बन रहा है एक वृहद पार्किंग, जिसकी कि मैं आपको एक्सक्लूसिव दृश्य दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए मित्रों यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का एक साइन बोर्ड आपको यहाँ दिखेगा, और इधर आपको दिखेगा भव्य पार्किंग के लिए जो शेड का निर्माण हो रहा है उसको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मित्रों यही है वो भव्य बड़ा पार्किंग, जिसमें कि कई 100 गाड़ियाँ वाहन यहाँ पर पार्क किए जा सकेंगे। और यह जो आपको पार्किंग है एरिया, वो आपको मुख्य प्रवेश जो भवन करेगा उसके बाईं ओर भवन के मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए कई सारे यात्री लोग
बाहर की ओर निकल रहे हैं। मित्रों देख सकते हैं यहाँ पर जो कि अंदर पार्किंग का निर्माण काफ़ी तेजी से चल रहा है। मैं अब आपको आगे ये दृश्य दिखलाता हूँ कि किस प्रकार से आगे का निर्माण कार्य भी चालू है। मित्रों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर इस समय चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सुरक्षाकर्मी अपनी जो पैनी निगाह रखे हुए हैं और आपको साथ में मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो कि निर्माण कार्य है कॉनकोर्स का वह भी संचालित है। कॉनकोर्स पर भी आप देख सकते हैं कि भारी जो सुरक्षा बल है वो तैनात है, पुलिस फोर्स लगी हुई है और जो कॉनकोर्स के लिए जो निर्माण है ऊपर छत का मैं आप देखिए छत दिखाता हूँ। साथ में फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग भी चालू है काम, मार्बल लगाने का। उसी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर जो स्लेटर्स और सीढ़ियाँ हैं स्टेयर्स उनको भी निर्माण किया जा रहा है। आप देखिए दोनों साइड में जो स्टेयर्स और सीढ़ियाँ हैं दोनों एक साथ बन रही हैं और उसी के साथ साथ लिफ्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। मित्रों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि पहले यह तीन ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि आपको दिखाई दे रहा है कैमरे में। साथ ही मैं इसके साथ बता दूं इधर आप देख रहे हैं जहां पर ये कॉनकोर्स का एंड हो रहा है यहां पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 का भी निर्माण हो रहा है और जिसके लिए आप देख सकते हैं ट्रैक बनाने के लिए गिट्टी आदि बिछाया जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कार्य चल रहा है। साथ में ही इधर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको अतिक्रमण आदि भी हटाया गया है और यह पूरा जो प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 के लिए जो पुरानी वाली सीढ़ी है इसी सीढ़ी को जोड़ते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 5 और 4 का जो कि कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर अभी कार्य चालू हो चुका है। और यह सभी कार्य आपको मैं बता दूँ कि फेज़ 2 के अंतर्गत हो रहा है। फेज़ 1 का निर्माण कार्य लगभग 250 करोड़ में संपन्न हुआ है और फेज़ 2 के लिए भी लगभग 350 करोड़ रुपये में इसका जो कि निर्माण होना है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और मैंने आपको पहले भी इस प्रकार से अयोध्या के रेलवे स्टेशन की जानकारी अपने इंडियन एसआरजे चैनल पर, न्यूज एसआरजे चैनल पर दिया है और अब मैं आपको ट्रैवल एसआरजे पर भी विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट और फेस ब्लॉग के माध्यम से, ताकि आपको छोटी बड़ी चीज़ों को भी बहुत ही विस्तार से बता सकूँ और दिखा सकूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो वातावरण है, माहौल है निर्माण कार्य का वह कैसा दिखने में प्रतीत होता है अगर आप अपनी आँखों से भी देखना चाहें तो। ये देखिए मैं आपको हर एंगल से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है अभी यहाँ पर चल रहा। एक रेलवे स्टेशन, रेलवे यहाँ से स्टेशन से रेलवे गुजर रही है रेल और आपको यहाँ पर जो प्रथम गुंबद है, शिखर कह सकते हैं इसको, जो दिख रहा है पीछे का और आगे छोटा वाला है। मुकुट तो सामने बन ही चुका है और इधर आप देख सकते हैं दूसरा शिखर है। कुल मिलाकर के 6 शिखर बनने हैं जिसमें के बाद एक मुकुट है जो कि फ्रंट पे बनेगा, बन चुका है कहें तो। और यही है वर्तमान परिस्थिति आपको अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर भी देखिए क्रेन लगे हैं, बाकी 2 तो बड़े बड़े क्रेन लगे हैं जो कि ऊपर तक इनकी हाइट देख सकते हैं। झंडा यहाँ पर भगवा ध्वज शान से लहराता हुआ दिख रहा है और नीचे हो रहा है कॉनकोर्स का निर्माण। मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है आप देख सकते हैं ऊपर इधर, यहाँ पर आप देखिए एक वायरिंग का भी कार्य चल रहा है और नीचे देखिए यहाँ पर मार्बल आदि लगाने का, बिजली फिटिंग आदि का कार्य तेजी से चल रहा है। और साथ ही मैं आपको इधर दिखाऊं जिसका कि आवाज़ आ रहा है, शोर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कटर से जो ज़मीन का जो फ्लोरिंग है उसको कटिंग करने का कार्य चल रहा है। तो मित्रों यही था मेरा प्रयास कि किस प्रकार से पूरी की पूरी अयोध्या धाम जो कि विकास के दौड़ में अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर रखना चाह रही है, जिस प्रकार से सप्तपुरियों में सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान है अयोध्या धाम का, उसी प्रकार से वर्तमान सरकार अयोध्या को विकास के दौड़ में सबसे ऊपर रखना चाहती है और इसीलिए वर्तमान समय में 31,000 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों को किया जा रहा है और यहाँ पर अयोध्या को विकसित अयोध्या और आध्यात्मिक अयोध्या का समागम करते हुए एक आधुनिक अयोध्या बनाने का पूरा प्रयास यहाँ की सरकार का है। और इसी जानकारी को मैं आपको आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। यदि आपको यह मेरी प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में कोई सुझाव होगा तो लिखिएगा, जय श्री राम तो लिखिएगा ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।